अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर अफियत होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है, जिसका आज दूसरा दिन था और वो भी इख्तिताम पजीर हो चुका है। क्या कमाल धमाल की पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग देखने को मिली है, खासकर इस यंग लड़के की शाहीन अफरीदी की। बहुत ही कमाल की बॉलिंग के उन्होंने मुजाहरा किया। शाहीन अफरीदी के जितने भी फैंस इस वीडियो को बात कर रहे हैं, लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए सात घंटे की अलामत को जरूर क्लिक कीजिएगा। कॉमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं और ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा रन कर सकता है। आप लोगों ने ज़रूर से कॉमेंट्स में बताना है। तो बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीतो जनाब, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि लंकन टीम पाकिस्तान आई हुई है। इस लंकन सीरीज के बाद बांग्लादेश की सीरीज के हवाले से भी काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं। ये लफ्ज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के कॉमेंट्स मेरे को देखने को मिलते हैं कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान आने जा रहा है, क्या साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आएगा। तो भाई, साउथ अफ्रीका का टूर कन्फर्म है, बांग्लादेश का अभी कोई कन्फर्म नहीं है कि बांग्लादेश आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। इस हवाले से कोई भी ऐसी खबर नहीं सामने आई। जो भी आएगी मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस मैच की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पाकिस्तान के कैप्टन अजहर अली साहब इस मैच को जीतने में कामयाब रहे थे और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। आज के दिन की बात करते हैं, जो कि दूसरा दिन है, तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग का आज मुजाहरा किया, खासकर शाहीन अफरीदी ने और मोहम्मद अब्बास। पाकिस्तान की सारी नजरें पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप, खासकर बाबर आजम और आबिद अली पर होंगी कि यह कैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। बट आज शाहीन अफरीदी ने जिस तरीके की बॉलिंग किया है ना, उसके अल्फाज नहीं मिलते। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया है और पहला फाइव फुट लगाने में कामयाब हुए। इस मैच की मुकम्मल तफसीलात आप लोग को देंगे, तो आप लोगों ने इस वीडियो को कहीं पर भी मिस नहीं करना। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप 191 पे की ऑल आउट हो गई थी। अगर हम शान मसूद की बात करते हैं, तो 5 रन बनाकर जो आउट हुए थे, 15 गेंदों का सामना किया था, एक चौका लगा चुके हैं, 33 का इनका स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला था। इनको विशावा फर्नीडो ने आउट किया। अगर हम आबिद अली की बात करते हैं, तो आबिद अली ने पहले इनिंग्स में 38 रन बनाए थे, 66 गेंदों का सामना किया था, 7 चौके लगाए थे और एक जबरदस्त किस्म का छक्का भी इनका देखने को मिला था, 57 का स्ट्राइक रेट, जबकि इनको LBW आउट किया था लाहिरू कुमारा ने। अजहर अली की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस का आजकल मुजहरा बिल्कुल भी नहीं कर रखी। अजहर अली साहब ने अंडर रन स्कोर किया था पहले इनिंग्स में। अब देखना होगा कि दूसरी इनिंग्स में इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। मर्द बोहरान शान मसूद साहब, इनके हवाले से काफी ज्यादा खबरें ऐसी कुछ गर्दिश कर रखी होती है कि जब भी इनको टीम से निकालने की खबरें बारे आती है, तभी ये अच्छी परफॉर्मेंस का मुजहरा कर देते हैं। मतलब ये 50 स्कोर कर देते हैं 3-4 इनिंग्स के बाद, जब बातें काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। मतलब ये कि लोग कह रहे होते हैं कि इनको बस पाकिस्तान टीम से निकालना चाहिए, तभी ये 50 जड़ देते हैं और इनकी सीरीज में अगली सीरीज जो भी होती है उसमें इनकी जगह पक्की हो जाती है। वो चाहे हम ऑस्ट्रेलिया टूर को देख लें, ठीक है, साउथ अफ्रीका में इनकी कारकर्दगी काफी अच्छी रही थी, बट इतनी खास भी नहीं रही थी। 240-42 रन इन्होंने स्कोर किए थे 3 मैचेस में, तो इतनी खास परफॉर्मेंस बिल्कुल ये नहीं दे सके थे। बट ऑस्ट्रेलिया में नाकाम रखे, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी कुछ नाकाम ही रहे, लेकिन आखिरी इनिंग्स में अब देखना होगा कि कैसी परफॉर्मेंस का मुजहरा करते हैं। अभी तक तो स्टिल बैटिंग कर रखी है दूसरी इनिंग्स में और लगता यही है कि एक मरतबा फिर 50 स्कोर करने जा रही है। अगर ये 50 कर देते हैं तो भाई फिर आपको देखने को मिलेंगे शान मसूद साहब, और इनको निकाला बिल्कुल भी नहीं जाएगा, समी असलम मुंह तकते रह जाएंगे। तो यार अब पहली इनिंग्स की बात करते हैं, जरा फिर बाबर आजम की बात करते हैं। तो बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में 60 रन स्कोर किए थे, 96 गेंदों का सामना किया था, 8 चौके लगाने में कामयाब हुए थे, एक जबरदस्त किस्म का छक्का भी बाबर आजम का हमें देखने को मिला था, 62 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला था। इनको लास्ट इतने आउट किया जबकि स्टंप ये आउट हुए थे पहली इनिंग्स में बाबर आजम साहब डिग्वी लगे हाथों। अगर हम असद शफी की बात करते हैं, तो एक और जबरदस्त किस्म की बैटिंग देखने को मिली थी पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में, 63 रन बनाकर जो आउट हुए, 126 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाने में कामयाब, इनको लाहिरू कुमारे ने आउट किया, कैच विशावा फर्नीडो के हाथों में गया। अगर हम हारिसवेल की बात करते हैं, तो पहली इनिंग्स में नाकाम रह गए थे, 9 रन बनाकर जो आउट हुए, 30 गेंदों का सामना किया, एक छक्का लगाने में कामयाब हुए, 30 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला, इनको LBW आउट किया लासित ने। अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान T20 वनडे और टेस्ट के ऑलमोस्ट सभी फॉर्मेट के विकेट कीपर बैट्समैन है, 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर जो आउट हुए, एक चौका लगाने में कामयाब हुए, इनको बोल्ड किया लाहिरू कुमारा ने। यासर शाह साहब की बात करते हैं, तो शाह साहब पहले ही गेंद पर LBW आउट हो गए लाहिरू कुमारा के, जो कि 150 पर लाहिरू कुमारा की तेज तरीन गेंद के ये शिकार हुए थे और LBW आउट हो गए। अगर हम मोहम्मद अब्बास की बात करते हैं, तो इनको लासित ने आउट किया, कैच डंजाया डिसिल्वा के हाथों में गया, इनको अंडे पे आउट किया गया। अगर हम शाहीन अफरीदी की बात करते हैं, तो 5 रन रजिया बनाकर आउट हुए थे, 9 गेंदों का सामना किया, इन्होंने एक चौका लगाया था, लासित ने इनको आउट किया था, कैच मैथ्यूज के हाथों में गया था, नसीम शाह नॉट आउट रहे थे, एक गेंद पर 1 रन बनाकर। इसी तरह पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में कितने रन बला बना पाई थी, 191 रन, और पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। 59 पॉइंट पाकिस्तान ने 3 ओवर खेले थे
और पाकिस्तान की ऑल आउट हो गई थी। अगर हम यहाँ पर लंकन बोलर्स की बात करते हैं तो लंकन बोलर्स की अगर हम बात करते हैं बॉलिंग की तो फर्नीडू ने 13 ओवर कराए, 3 ओवर मिडन कराए, 31 रन दिए, 2 रन को आउट किया। लाकिरो कुमारा की बात करते हैं तो कुमारा साहब ने 18 ओवर कराए, 5 ओवर मिडन कराए, 49 रन दिए, 4 रन को आउट किया। करुण रत्न की बात करते हैं जो कि कैप्टन थे, सिर्फ 1 ओवर कराने में कामयाब हुए, 1 ओवर में 11 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। लासित की बात करते हैं जो कि डेब्यू कर रखे थे, 20 ओवर्स इन्होंने फेंके, 71 रन दिए, 4 रन को आउट किया, 3 ओवर मिडन भी किए। दिलवरान परेरा की बात करते हैं तो 7 ओवर में 23 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। अगर हम फॉलो विकेट की बात करते हैं तो पहली विकेट पाकिस्तान की 10, दूसरी विकेट 10, तीसरी विकेट 65, चौथी विकेट 127, पांचवी विकेट 167, छठी विकेट 172, सातवीं विकेट 172, आठवीं विकेट 179, नौवीं विकेट 185, दसवीं विकेट 191 के स्कोर पर गिरी। इसी तरह पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 191 पर ही सिमट गई। अब जरा लंकन की बात करते हैं पहली इनिंग्स की, तो लंकन टीम के अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो शाडा फर्नीडू ने 4 रन स्कोर किए, 19 गेंदों का सामना किया, शाहीन अफरीदी का ये शिकार बने कैच मोहम्मद रिजवान के हाथों में किया। करुणा रत्न की बात करते हैं जो कि कैप्टन है लंकन टीम के, 25 रन बनाकर आउट हुए, 42 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाने में कामयाब हुए, इनको मोहम्मद अब्बास ने बोल्ड किया। अगर हम कौशल मेंडिस की बात करते हैं तो कौशल मेंडिस साहब 13 रन बनाकर आउट हुए, 27 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाने में कामयाब हुए, 48 का इनका स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला, इनको भी मोहम्मद अब्बास ने आउट किया कैच हर वेल क्या तुम्हें क्या। अगर मैथ्यूज की बात करते हैं तो मैथ्यूज साहब ने 44 गेंदों पर 13 रन स्कोर किए, 1 चौका लगाने में कामयाब, 29 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला, इनको शाहीन अफरीदी ने आउट किया कैच मोहम्मद रिजवान क्या तुम्हें क्या। अगर हम लासित की बात करते हैं जिन्होंने 34 गेंदों पर 13 रन स्कोर किए, 1 चौका लगाने में कामयाब, 38 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला, मोहम्मद अब्बास ने इनको आउट किया कैच SHFE क्या तुम्हें क्या। चंदीमल की बात करते हैं जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बारी का मुजाहरा किया, 74 रन बनाने में कामयाब, 143 गेंदों का सामना किया, 10 चौके लगाए, 51 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला, इनको हर वेल ने आउट के कैच चांद मसूद के हाथों में किया। अगर हम ढंजाया डिसिल्वा की बात करते हैं तो उन्होंने 56 गेंदों पर 32 रन स्कोर किए, 2 चौके लगाने में कामयाब, एक जबरदस्त किस्म का छक्का भी इनका देखने को मिला, 57 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला, शाहीन अफरीदी ने आउट किया कैच मोहम्मद अब्बास के हाथों में किया। अगर हम डिकविला की बात करते हैं तो उन्होंने 21 रन स्कोर किए, 35 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाने में कामयाब, 60 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला, इनको मोहम्मद अब्बास ने बोल्ड किया। अगर हम दिलवरान परेरा की बात करते हैं जिनको काफी ज्यादा वैसे चांसेस मिले, इन्होंने 84 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए, 6 चौके लगाए, 1 छक्का लगाने में कामयाब, 57 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला, इनको LBW आउट किया शाहीन अफरीदी ने। फर्नीडो की बात करते हैं तो 5 रन पर नॉट आउट रहे, 32 गेंदों के उन्होंने सामना किया, जबकि लाहिरो कुमारा की बात करते हैं तो शाहीन अफरीदी ने इनको बोल्ड किया। इसी तरह शाहीन अफरीदी ने इस मैच में बल्कि इस इनिंग्स में 5 खिलाड़ी को आउट भी किया। अगर हम शाहीन अफरीदी के पहले इनिंग्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बॉलिंग की खासकर बॉलिंग स्टैट्स की बात करते हैं, तो उन्होंने 26.5 ओवर कराए, 5 ओवर मेडन कराए, 77 रन दिए, 5 खिलाड़ी को आउट किया। अगर मोहम्मद अब्बास की बात करते हैं तो उन्होंने 27 ओवर कराए, 9 ओवर मेडन कराए, 55 रन दिए, 4 खिलाड़ी को आउट किया। नसीम शाह की बात करते हैं तो 16 ओवर कराए, 1 ओवर मेडन कराया, 71 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। यासिर शाह की बात करते हैं तो उन्होंने 13 ओवर कराए, 43 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। हरिस वेल की बात करते हैं तो 3 ओवर इन्होंने फेंके, 11 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। अब जरा लंकन टीम के फॉलो विकेट की बात करते हैं तो पहली विकेट 28, दूसरी विकेट 39, तीसरी विकेट 61, चौथी विकेट 78, पांचवी विकेट 80, छठी विकेट 147, सातवीं विकेट 184, आठवीं विकेट 235, नौवीं विकेट 271, दसवीं विकेट 271 के स्कोर पर गिरी। पहले आउट होने वाले खिलाड़ियों की बात करते हैं तो पहले पे उशाडा फर्नीडू, दूसरे पे करुणा रत्ने, तीसरे पे कौशल मेंडिस, चौथे पे लासित, पांचवें पे मैथ्यूज, छठे पे ढंजाया डिसिल्वा, सातवें पे डिकविला, आठवें पे चंदीमल, नौवें पे दिलवरान परेरा और दसवें और आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी थे लाकिरो कुमारा। इसी तरह लंकन टीम पहली इनिंग्स में 271 रन बनाकर आउट हो गई और लंकन टीम ने जो ओवर्स खेले हैं उनकी तादाद की बात करते हैं तो 85.5 ओवर्स उन्होंने खेले। फिर शुरू हुई जी पाकिस्तान की बैटिंग और अभी तक पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स सलामत हैं, सही तरीके से अच्छी बैटिंग कर रखे हैं। शान मसूद साहब अपनी जगह पक्की करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, मतलब से एक और 50 स्कोर करेंगे उसके बाद ये आउट हो जाएंगे, इतनी खासी परफॉर्मेंस का मुजहरा नहीं करेगी, क्योंकि भाई अगली सीरीज में जगह भी बनानी है, वो चाहे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो या फिर इसके अलावा जो भी सीरीज होती है पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे मसूद। बस इसी तरीके से ये 50 स्कोर करेंगे, मेरे ख्याल से ऐसी कुछ परफॉर्मेंस रहेगी। अजहर अली को भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजहरा करना होगा, इवन आबिद अली की काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी क्या। 42 गेंद पर 32 रन स्कोर कर चुके हैं, 4 चौके भी लगा चुके हैं, 76 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। इसके बाद जिनकी बैटिंग आनी है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करते हैं तो इनमें अजहर अली, बाबर आजम, हारिस सुहेल, असद शफीक, मोहम्मद रिजवान, यहाँ तक पाकिस्तान के प्रॉपर बैट्समैन मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी बॉलर्स का कमाल शुरू हो जाता है अगर कमाल दिखाया भी तो।
यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, अभी तक जिन बॉलर्स ने बॉलिंग करा रखी है उनमें फर्नीडियो 5 ओवर करा चुके हैं, 14 रन दे चुके हैं। कुमारा साहब ने अभी तक 3 ओवर कराए, 20 रन दिए किसी खिलाड़ी को नहीं किया। लासित ने 5 ओवर कराए, 17 रन दिए किसी खिलाड़ी को नहीं किया। दिलवरान परेरा ने 1 ओवर कराया, 2 रन दिए किसी खिलाड़ी को नहीं किया। अभी भी पाकिस्तान को 23 रन चाहिए लंकन टीम की बर्तरी को खत्म करने के लिए। उम्मीद करते हैं, बल्कि यकीन से कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजहरा करेगा और पाकिस्तान एक लंबा टोटल भी लंकन टीम को हराने के लिए देगा। कल वैसे सैटरडे और काफ़ी ज़्यादा आवाम भी आपको नेशनल स्टेडियम कराची में देखने को मिल जाएंगी, तो जो कराची से देख रहे हैं भाई जाकर देख लेना, फ्री टिकट्स हैं, कोई 50, 60, 70 कोई मतलब कि 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। बस एक आईडी कार्ड ले जाओ और जल्दी जल्दी जाकर मैचेस को एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़ हो ना सिर।